बंद करो, ऐसा नशाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीएस टेबू, हाय हाय, टोनी कमिशन, हाय हाय, इसी, हाय हाय, टेबू इंडस्ट्री, हाय हाय, टेबू इंडस्ट्री, हाय। तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, इसी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, इसी तेरे राज। नमस्कार, मेरा नाम रुशांशु वडेरा है, मैं वाई सी टी कॉलेज से हूँ, मेरा थर्ड सेमेस्टर है। आज मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, लॉ और इंजीनियरिंग के, उनकी डिमांड क्यों नहीं मानी जा रही है? हमारी कुछ डिमांड नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हमें मास प्रमोशन चाहिए, हम ये चीज़ बोल रहे हैं जो हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं, हमारे ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होने चाहिए। बिकॉज जितनी हमने कोविड की, जैसे आप जानते हो पिछले कुछ महीनों में क्या पूरे देश में हालात हुए थे, हम ये उस टाइम पर हमने सारी ऑनलाइन पढ़ाई की है। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि जब हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है, हम कैसे पेपर दे सकते हैं? हमारी जितनी इंजीनियरिंग है सारी न्यूमेरिकल बेसिस है, हमारा कोई थ्योरी नहीं है, हम रट्टे मार के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हम ये पूछते हैं, जितना जब तक हम एक लैब नहीं जाएंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम कैसे दे सकते हैं? गवर्नमेंट सर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी बात सुनी जाए। और आप जैसे जानते हैं कल से हम हंगर स्ट्राइक बैठे हुए हैं, तो यहाँ लाठियाँ भी चल रही हैं, यहाँ बच्चों को उठाया भी जा रहा है, क्यों हमारे साथ ये क्यों जाती हुई जा रही है? और जैसा कि दुनिया सारे बोलते हैं हमारे देश में कि स्टूडेंट एक हमारे देश का नया भविष्य है, हम ये बोल रहे हैं हम भविष्य कैसे हैं? आप देख सकते हैं पीछे क्या हालत चल रही है इस टाइम, तो हम भविष्य कैसे हैं इस देश का? नमस्कार, मेरा नाम पीयूष गुजरिया, मैं लॉ स्कूल का पंचवर्षीय के छात्र। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर भूख हड़ताल का, जहाँ पर कल तक हम केवल इंजीनियरिंग और लॉ स्कूल के छात्र थे, आज हमें लॉ डिपार्टमेंट के छात्रों का भी समर्थन मिला है और वो भी आज से हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सुबह यहाँ पर 4 बजे एम्बुलेंस आई थी, हमारा चेकअप हुआ, हमें इंजेक्शन लगा, उसके बाद हमें थोड़ी हिम्मत आई है। हमारा एक और कार्यकर्ता जो हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठा था, क्योंकि लॉ स्कूल की तरफ से 2 विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे थे, एक मैं और एक अजय लगोत्रा, उसकी हालत भी अभी क्रिटिकल है। और अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को बुलाया गया है इलाज के लिए। मैं यहाँ क्योंकि ये प्रदेश का सबसे देखे जाने वाला चैनल है, मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को गुजारिश करूँगा, क्योंकि वो पूर्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तुरंत इस मामले में दखलंदाजी करें। और उपकुलपति साहब जो मान नहीं रहे, जो विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं, हम 2 दिन से अन्न और जल का त्याग करके बैठे हैं, उनको उनकी सजा दी जाए, उनको निष्कासित किया जाए। हमारी डिमांड है ऑनलाइन एग्ज़ाम। हमें यहाँ पर प्रोफेसर यहाँ पर आकर कहते हैं कि हमारे आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वैलिड नहीं है, तो फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस क्यों लगवाई? अगर हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम वैलिड नहीं हो सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे वैलिड हो सकती हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑफलाइन इम्तिहान देने के लिए भी तैयार थे, मगर विश्वविद्यालय में 33 डिपार्टमेंट है, अभी भी डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर ये नफरत लॉ स्कूल और लॉ डिपार्टमेंट।